देवे किवे सुनो रब राई देवे किवे सुनो मोरत दोई काल तोई आई मोरत दोई काल तोई देवे किवे सुनो रब राई देवे किवे मोरत दोई काल तोई आई देवता लोग राजा कर दिलीप को कहते राजा सिर्फ तुम्हारे को दो घंटा जीना है फिर मरना मूर्त तो ही काल तो ही आई दो घंटा की जिंदगी है राजन राजा कर दिलीप देवता से कहने लगे देवताओं केवल दो घंटा का ही जीना हाँ फिर तो मरना है। राजा कर्दलीप देवताओं से कहने लगे हे देवताओं कृपा करो एक वरदान दो मांगो राजा। राजा कहता है राजा के वे दीजे वरयोई राजा के वे दीजे छिन पलक पवचू घर सोई राजा के वे दीजे वरयोई राजा के वे दीजे छिन पलक पवचू घर सोई श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजा कर्दलीप देवताओं से वरदान मांगते हैं कहते हैं देवताओं ऐसा वरदान दे रहा हो छिन पलक पहुंचू घर सोई पल छिन में मैं मेरे घर पहुंच जाऊं। देवता लोग कहने लगे राजन घर जाकर के क्या करोगे ये क्या वरदान मांग रहे हो कुछ और मांगो ना घर जाओ देश विदेश कहीं भी जाओ काल छोड़ेगा नहीं राजन सगरामा संसार में बड़ो कसा ही काल राजा गिने नहीं बादशाह बूढ़ो गिने नहीं बाद देवता लोग कहते हैं राजन काल समो कोई टने न टाल्यो ए राजा कई ज्ञान बिचार्यो ए राजा कई काल समो कोई टने न टाल्यो राम जी महाराज सर्व संत मातरा देवता लोग राजा को कहने लगे राजन ये क्या वरदान मांग रहे हैं घर जाकर के क्या करोगे काल छोड़ेगा नहीं ये राजा कहीं ज्ञाने विचार काल समो कोई
प्रलय नहीं टाल्यो हे राजा कहीं ज्ञाने विचार काल समो कोई प्रलय नहीं टाल्यो काल समो कोई प्रलय नहीं टाल्यो हे राजा कहीं भी चले जाओ कहां छोड़ेगा नहीं। राजा खड़दली देवतों से कहने लगे देवताओं जब राजा वर नीविद सारी मेरे घरा पुरुष के बारी जब राजा वर नीविद सारी मेरे घरा पुरुष एक बारी मेरे घरा पुरुष एक बारी श्री सतगुरु जी महाराज राजा करदली देवता लोगों को कह रहे हैं देवता हमारे राज्य में हमारे घर एक संत का निवास एक महापुरुष का निवास है मेरे घर पुरुष एक भारी है देवताओं उन संत के उस महापुरुष के हमको शरण मिल जाए आश्रय मिल जाए जिनकी चरण शरण हमने वे शरण हमने वे मेट काल परम पद देवे मेट काल परम पद देवे श्री सतगुरु जी महाराज राजा करदली देवतों से कह रहे हैं देवता उन संत को हमारों को आसरा मिल जाए शरण मिल जाए तो फिर काल का कोई डर कोई भय नहीं रहेगा शरण से काल से उबार होता है बचाव होता है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है सदगुरु कबीर साहब एक समय कोई गांव में गए और उन्होंने एक दृश्य देखा एक बहन चक्की चला रही है और कबीर साहब देख रहे हैं उसमें ने नाज का मुठा भरा और चक्की का अंदर डाला चक्की तेजी से घूम रही है उस दृश्य को देखकर के कबीर साहब रोने लगे उसमें ने पूछा कि महाराज आप रो क्यों रहे बोले दयावश होकर के किस पर दया बोलेगी तो मैंने ये नाज का मुठा भर अंदर में डाला है ये नाज के दाने बेचारे सब पीले जाएंगे सब नष्ट हो जाएंगे सबके चलती ने के दिया कमीना दो पटन के बीच में साबित बचे न को साबित बचे नहीं को श्री सतगुरु जी महाराज प्रसंग पर ध्यान देना भाई ये बच्चों को बैठा दो हाँ इधर उधर घूमे नहीं बैठा दो श्री सतगुरु जी महाराज की और जाओ उनको जाने दो रोको मत भीड़ मिटे श्री सतगुरु जी महाराज की बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई बहन दो पाटन के बीच में साबित बचने को है चक्की का दो पाट है ऊपर नीचे बीच में जो कहते हैं ये सब पीले जाएंगे सब नष्ट हो जाएंगे चक्की चलाने वाले बहन कह रहे महाराज सब नष्ट नहीं होंगे इनमें भी कोई कोई बच जाएगा अंदर में चले गए फिर बचेगा हाँ कौन बचेगा कौन नष्ट होगा दो
पूरा दूरा जो रहे बिश बिश आता हो शरण लेवे कीलरा बाळन बांका हो बाळन बांका हो। श्री सतगुरु जी महाराज दूरा दूरा जो रहे पिस पिस आटा हो सरना ले दे कीलरा जीरो बाल बांको नहीं हो। दूर दूर है वो तो सब नष्ट होना ही है फिर किले के सहार में लग जाएगा शरण में आ जाएगा वो नाज बच जाएगा। भाई बहनों काल की चक्की चल रही है मानव उरे अन मनुष्य सब अन रूप में सब पेले जाएंगे पर जिन्होंने परमात्मा की शरण ली महापुरुषों की शरण ली गुरुदेव का आसरा लिया है वो जीव बच जाएगा काल से। तो राजा खरदलित यही कह रहे हैं जिनकी चरण शरण हमें ले में मेटे काल परम पद देवे जिनकी चरण शरण हमें ले में मेटे काल परम पद देवे। श्री सतगुरु जी महाराज राजा करदलिप कहते हैं उस संत की उस महापुरुष की हमको शरण मिल जाए आश्रय मिल जाए फिर काल का कोई डर कोई भय नहीं। तो देवता लोग अपनी सिद्धि के प्रभाव से तत्काल उस राजा को उस महात्मा की शरण में छोड़ देते हैं। जब देवा पावे चायर दीनो राजा सोचे बिरे लवेलीनो जब देवा पावे चायर दीनो राजा सोचे बिरे लवेलीनो राजा सोचे बिरे लवेलीनो। बोलो राम जी महाराज। देवता लोग राजा को उस महात्मा की शरण में छोड़ देते हैं। राजा बड़ा उदास है संतों के चरणों में गिर पड़ा नमन नमस्कार किया प्रणाम किया। महात्मा राजा को कहने लगे राजन हे राजा का हिरण बागो आर्य देवे देंद कोई लागो हे राजा का हिरण बागो आर्य देवे देंद कोई लागो आर्य देवे देंद कोई लागो। महात्मा कहने लगे राजा मैंने तो सुना था कि तुम देवताओं की मदद के लिए युद्ध में गया और यहां कैसे क्या तुम युद्ध से भाग निकल गया क्या देवता लोग हार गए क्या तुम्हारा कोई राक्षस ने देंत ने मारने के लिए पीछा कर लिया। तो राजा महात्मा से प्रार्थना करने लगे कहने लगे महाराज हो महाराज नहीं रणे बागो जीत्या देवे देंत नहीं लागो हो महाराज नहीं रणे बागो जीत्या देवे देंत नहीं लागो। नहीं मैं युद्ध से भाग आया हूं देवता की विजय हुई है ने कोई राक्षस ने किसने हमारा पीछा किया है। तो महात्मा कहने लगे राजा तुम इतने उदास क्यों हो उदासी का कारण क्या है राजन
भाई बहनों, राजा मातमा को उदासी का कारण बता रहे हैं। राजा कह रहे हैं, महाराज मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत धन कमाया, बहुत राजसत्ता को बढ़ाई, बहुत परिवार बढ़ाया, परंतु जीवन में एक कार्य नहीं किया महाराज, और वो कार्य न करने से ये आज मैं उदास हूं, आज दुखी हूं। महात्मा कहने लगे, राजन ऐसा कौन सा कार्य तुमने नहीं किया जीवन में और वो कार्य न करने से आज तुम दुखी हो, उदास हो? राजा कहते हैं, और तो जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत धन कमाया, बहुत राजसत्ता को बढ़ाई, परंतु आप जैसे संतों का सत्संग नहीं किया, परमात्मा का नाम का सुमिरन नहीं किया, भजन नहीं किया, दूसरा जितना कुछ किया है वो सब 2 घंटा के बाद में छूटने वाला है, साथ में चले वो धन नहीं कमाया, वो संपत्ति नहीं कमाया। भाई बहन, लोग जितना धन संपत्ति है वो सब शरीर है, तब तक अपना है, शरीर छूट गया तो सब छूट जाता है। महापुरुषों ने फरमाया है, तन छोटा छूटे सब छूटे गरे और सुतविद छूटे किसन ला संगी सतगुरु राम, संगी सतगुरु राम, बोलो राम जी महाराज। शरीर के छूटते ही घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, धन संपत्ति पद छूट जाता है, पर अंत में भजन सुमन सत्संग सेवा परोपकार जीवन में किया है, बस वही कमाई अंत में सह चलती है। और राजा कहता, वो कमाई हमने की नहीं है महाराज, बस उदासी का यही कारण है। काल निकटे यो महाराजा, भजन बिना गयो जन्मे अकाज। काल निकटे यो महाराजा, भजन बिना गयो जन्मे अकाल। मृत्यु निकट आ गई है महाराज, 2 घंटा के बाद मरना, भजन स्मरण किया नहीं इसलिए जीवन बेकार बीत गया। भाई बहन, संसारी प्रपंच में बाबा चिता में जीवन का समय बीत जाता है, अंत में जब जी विदाई लेता तब दुखी होता रोता, बातों में ही बे निकस गया दिन रात, दरिया मानत पूरी बही आन पड़ी जमगा, आन पड़ी जमगा। बात ही बात में जीवन का कितना समय बीत गया, मौलत पूरी हुई, समय पूरी हो गई जीवन की, आन पड़ी जमगा। राजा कर्दलीप कहता है, महाराज भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, आप जैसे संतों का सत्संग नहीं किया, बस उदासी का यही कारण है। महात्मा कहने लगे, राजन अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो राजा कर्दलीप महात्मा को कह रहे हैं, महाराज अब महात्मा कहने लगे, राजन उद्धार करना है, कल्याण करना है, तो सुन मेरी वाणी, सुन मेरा उपदेश। साधु के में सुनो नृप राई, आसन कर एक अंतर जाई,
साधु के वे सुनो द्रपेराही आसन कर एक अंतर जाई आसन कर एक अंतर जाई। श्री सदगुरु जी महाराज महात्मा कहते हैं राजा उदार करना कल्याण करना है तो भीड़ भाड़ को छोड़ करके एकांत में चला जाए आसन करो एक अंतर जाए। एकांत का दो अर्थ भाई साधारण रूप में अर्थ एकांत का सीधा साधा सब लोग जानते हैं जहां कोई नहीं है एक तरफ वन में एकांत में चला जाए जहां कोई विक्षेप नहीं जहां कोई भीड़ भाड़ नहीं है। परंतु संत जिस एकांत की बात करते वो ये एकांत नहीं है। संत एकांत मानते हैं अंतर्मुखता का वृत्ति को अंतर्मुख कर लो बस यही एकांत है। वन में जंगल में पहाड़ों में जहां करके बैठ जाए एकांत में मन की वृत्ति बाहर हो कहे तो वहां उजाड़ नहीं बाजार माना जाएगा। आप कितने लोगों की भीड़ में बैठे हो वृत्ति आपके अंतर्मुख चली गई है अपनी साधना में तो आप अकेले ही माने जाओगे। बाजर बिरती को अंतर्याणो अंतर्याणो अंतर बिरती से ब्रह्मे पिछाणो अंतर बिरती से ब्रह्मे पिछाणो। श्री सदगुरु जी महाराज बाहर बिरती को अंतर आण अंतर में लाओ उस धरती को। राजा चरणों में गिर पड़ा प्रार्थना करने लगे महाराज वो वृत्ति अंतर्मुख कैसे आवे वृत्ति अंतर्मुख कैसे हो जाओ वो एकांत हमको कैसे मिले। महात्मा विधि बता रहे हैं तरीका बता रहे हैं साधना बता रहे हैं। गुरुमुखी भाई बहनों के लिए बड़ा सुंदर श्रवण करने का प्रसंग है। अंतर्मुख होने का तरीका बताया है। सास उसास राम लिवे लावो सुरत शरद मन पवन मिलाओ सास उसास राम लिवे लावो सुरत शबद मन पवन मिला। बोलो राम जी महात्मा कह रहे राजा सास उसास राम लिव लाओ सास उसास बाहर जो आते इनको कहते सास अंदर में जाता उनको कहते उसास। सास उसास की गति से नाम का सुमिरन करो सुरत शबद मन पवन मिलाओ ये चारों की एकता करो यही अंतर्मुख होने की विधि है तरीका है साधना है। राजा महात्मा की बताई हुई विधि से साधना में लगे भजन में लगे। केवल भक्ति मुरत दोई कीनी सुनो दूजा परम पद चीनी केवल भक्ति मुरत दोई कीनी सुनो तुझा परम पद चीनी। श्री सदगुरु जी महाराज संतों की बताई विधि से सासो सास की गति से राजा नाम का सुमिरन में लगा भजन में लगा। दो घंटा में उन्होंने अपना उद्धार कर लिया क्यों अंत मति सोही गति बताया महापुरुषों ने। अंत में जैसा सुमरण जैसा भजन जैसी सुमृति होती है ऐसी जीव की गति होती है। परमात्मा का नाम का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर का त्याग किया राजा ने अपना उद्धार कल्याण कर लिया। भजन की बिगड़ पहले उनको पिस्ताना हुआ पिस्ताना पड़ा भजन किया तब उन्होंने अपना उद्धार पाया कल्याण पाया। तो भाई बहनों भजन स्मरण के बिगड़ अंत में रणा और पिस्ताना ही है।
जिसलिए जीवन मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो, भजन साधन सत्संग सेवा परोपकार के लिए ही तो ये जीवन मिला है। करो अच्छी करनी, करनी करो तो आछी करो, बुरी विचारो ना, कसर पड़ेगी क्यों करो कबीर ओछी उम्र मां। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है लोगों, जीवन में अच्छी करनी करो, अच्छी कमाई करो, घाटा लगे ऐसा व्यापार मत करो। जब तू आया जगत में जगह सा तू रोये रे, जब तू आया जगत में जगह सा तू रोये रे, ऐसी करनी करे चलो तुम हंसो जग रोये रे, ऐसी करनी कर चलो। सदगुरु जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब का प्रमोदय है। मनुष्य जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, जब तुम संसार में आए जन्म लेकर के माता की गर्भ की जन्म से पीड़ा से तुम दुखी हुए रोए चिल्लाए, तुम्हारे सगा संबंधी सब लोग राजी हुए सब प्रसन्न हुए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। अब तुम ऐसी भलाई का काम करो, परोपकार का काम करो, लोक हितार्थ का काम करो, तो तुम हंसते हंसते मालिक के धाम में जाओ। तुम्हारे अच्छे गुणों को याद करके पीछे लोग रोता रहे, यही तो जीवन है भाई, यही जीवन है, यही मनुष्य का मरण है। जिनकी मृत्यु से लोगों को शोक नहीं होवे, दुख नहीं होवे, तो समझना कि ये मनुष्य नहीं मरा, कोई रावण मरा, असुर मरा। रावण की मृत्यु से किसी लोगों को शोक नहीं हुआ, किसी को दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़ा दुखदायी व्यक्ति था। इसलिए भाई बहनों, महापुरुषों का संदेश है, ऐसी करनी कर चलो। सब लोग दोबारा, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोये रे, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोये रे, ऐसी करनी करे चलो तुम हंसो जग रोये रे, ऐसी करनी करे चलो। सदगुरु जी महाराज, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। बड़ा खास शब्द है, तुम हंसो जग रो, तुम हंसते हंसते अपने मालिक की धाम में जाओ। तुम्हारे अच्छे स्वभाव अच्छे गुणों को याद करके फिर लोग रोता रहे, यही जीवन है, यही जीवन का सहारा है। तो जिसलिए जीवन मिला वो करनी करो, वो कमाई करो। श्री सदगुरु जी महाराज, सत्संग का समय पूर्ण हुआ। राजू जी का बहुत समय से विचार था कि हमारे गांव में जन्मभूमि में सत्संग होवे, लोगों को लाभ मिले, सत्संग का पुण्य मिले। परंतु भाई बहनों, महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है, बिना भाग मिले ना दुनिया में अमृत भोग, दाग फड़े बेसाग में जहां हुए कागारे गढ़ रोग। सत्संग का लाभ हरेक को नहीं मिलता है, पुण्य की बिगड़ है, बड़े भागे उनको मिला है। तो भाई बहनों, इस नगर के निवासी भाई बहनों को निवेदन है, प्रार्थना है, ज्यादा कोई दूर नहीं है, सोजे सिटी में अपना कई बार सत्संग होता है, जब जब आप
सत्संग का संदेश सुनो तो आओ, सत्संग का लाभ लो, जीवन को सफल बनाओ। सत्संग से ही जीवन सार्थक होता, जीवन सफल होता है। थोड़ी थोड़ी समय के लिए सभी भाई बहन हाँ, कल की सत्संग के लिए आप लोगों को सूचना है, कल शाम का राणावास गांव में सत्संग होगा। यहां से या स्वदेश सिटी से आने वाले भाई बहनों के लिए बस की व्यवस्था रहेगी। नयापुरा में 7 बजे सत्संग की वहां व्यवस्था है, 7 बजे वहां से गाड़ी छूट जाएगी, तो ठीक समय पर आप लोग पधारना। और बस का साधन फ्री है, आप लोगों से कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने वहां सत्संग का आयोजन रखा उनकी तरफ से वो व्यवस्था है। श्री सदगुरु जी महाराज।